दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण, हमारा प्यारा सा सुखदेव सोलंकी। सीएलसी में फैकल्टी शब्द काम में लेते हैं, हम लेते टीम सीएलसी, क्योंकि टीम काम करती है बच्चों के। दोस्तों उसी के देन है कि आज हम 26वां गुरु नीति आपको दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट के हमने कहा था कि तीन गुरु नीति है, कैपेसिटर को मिलाते हुए चार है। तो एक तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हमने आगे बढ़ाया है, कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फर्स्ट में 40 थे, आज स्टार्ट कहां से हो रहे हैं 41 से। बात शुरू करें, फिर से कहना चाहता हूं, गुरुनीति के वीडियो देख भी रहे हैं और दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत अच्छा यज्ञ है जिसमें आपको आहुति देनी चाहिए। आज दोस्तों 11 जनवरी को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप भी 11 जनवरी की शाम को 8 बजे आपको मिल गया, आप देख रहे हैं। 18 तारीख से आपके अपने सीएलसी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की अप्रूवल मिल चुकी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब 18 तारीख के बाद दोस्तों उससे पहले सीख आ जाओ, ताकि प्रॉपर हॉस्टल प्रॉपर मकान आपको यहाँ मिल जाए। बात शुरू करें पुत्र, आ जाओ। तो क्या कहता है 41 का मतलब, 40 क्वेश्चन पर दे चुके हैं पहले। आडियर वो कहता, इन द फिगर ए प्रोटॉन मूव्स डिस्टेंस डी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एज शोन इन फिगर, डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू ए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये बकवास ही कर रहा लंबी चौड़ी, अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं। ये कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ध्यान दो, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये कौन है प्लस, प्रोटॉन इधर आ रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है, प्रोटॉन को तो प्लस की ओर धक्का देगा लेके जाएगा, तो वो जाएगा नहीं, तुझे उस पर धक्का मारना पड़ेगा, तुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क आ गया, स्टोर्ड हो गया एनर्जी, स्टोर कौन सी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी तो बढ़ेगी। तो पहला क्या पूछा है, पहले पूछा है कार्य, तो कार्य क्या है, कार्य तो कार्य तो है दोस्तों विपरीत, तो विपरीत है तो चलो आप सीबीसी फॉर्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा में थीटा क्या है 180, क्यों विपरीत काम लग रहा है, तो क्या होगा नेगेटिव, तो वर्क तो क्या होगा नेगेटिव, और ऊर्जा क्या होगी पॉजिटिव, तो वर्क तो क्या होगा नेगेटिव, ऊर्जा क्या होगी पॉजिटिव। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसको मैं थोड़ा सा पेज खाली करें बेटा, इस तरह से बता सकता हूं कि दोस्तों कोई चार्ज क्यू है, Q1 है, और दूसरा चार्ज Q2 है, बोलूंगी सर उनके बीच डिस्टेंस आर है, तो यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, ओके जी। और इस पे बड़ा सुंदर ग्राफ है जो अक्सर खींचता हूं बच्चों के लिए, जी जी जी, क्योंकि आप जानते हो UR के इनवर्स है, जी जी R है भाई, ठीक है। इधर कौन है पॉजिटिव, प्लस U, एक मेरा फंडा है माइनस U, पैसे पे मिलाओ प्लस से प्रतिकर्षण, जी जी बिल्कुल, प्लस से प्रतिकर्षण। तो इधर कौन है बेटा जी, रिपल्सर, इधर कौन है अट्रैक्शन, बस इसको फॉलो कर दो, जी 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 बिल्कुल इसी बात। तो रिपल्सर है और डिस्टेंस घटती है तो U प्लस है, अट्रैक्शन है डिस्टेंस घटती है तो U नेगेटिव बढ़ रहा है, एक्चुअल में घट रहा है जी, ये ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल। आगे 3-4 क्वेश्चन और काम आएगा बिल्कुल, वापस क्वेश्चन दिखा पड़ा भगवान। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, तो दोस्तों हम सब जानते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो फील्ड की डायरेक्शन प्लस से, और सिंपल पॉइंट है प्लस से माइनस की ओर है। तो इसलिए एक बात और कहते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस के अंदर जाती है। एक बात और सुनना, यहाँ एक बात लगे हाथ बोल दूं, ये नॉर्थ पोल होता है ये साउथ पोल होता है, आप देखो नॉर्थ पोल से फोर्स लाइन निकलती है साउथ में घुसती है, इसलिए नॉर्थ पोल काम करता है प्लस की तरह, साउथ पोल काम करता है माइनस की तरह, इसलिए नॉर्थ पोल को धनात्मक पोल कहते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव पोल कहते हैं। बात को जोड़ो आपस में यार, ओके डियर। चलो अगला क्वेश्चन करो पुत्र, फिर एक क्वेश्चन आपके प्यारा से क्वेश्चन आ गया देख, वो कहता दो पॉजिटिव चार्ज 12 और 5 माइक्रो कूलम, एक कितना है 12, दूसरा कितना 5 माइक्रो कूलम, लिखते हैं माइक्रो माइक्रो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इन्हें 4 सेंटीमीटर तक निकट लाया जाए, यानी डिस्टेंस कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूरी नहीं है, 4 सेंटीमीटर निकट लाया, तो पहले डिस्टेंस कितनी है 10, फिर आपकी डिस्टेंस कितनी बच गई 6 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस की बात है, W इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U, डेल्टा U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, U क्या है K Q1 Q2 अपॉन R1, दबंडा है भाई, पहले की पोटेंशियल एनर्जी बाद की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस कर दो, ओके डियर। पेज खाली करना बेटा, तो आपके सामने सामने है W क्या आएगा K Q1 Q2 1/R1 / 1/R2 ले, क्या फर्क पड़ता है जी जी जी,
एक ही बात है, आर टू माइनस आर वन कर दे। अरे भूल गए क्या, यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, कुछ नहीं कर रहा है यार, दो चार्ज के बीच एक एनर्जी है पोटेंशियल, दस सेंटीमीटर अलग है और छह पे अलग है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, बस ये आपके सामने आ गया। तो इसका अपन गुणा भाग करें, तो एक बार ऐसा करते हैं इसको खाली कर लेते हैं लोग, तो आपके सामने k कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, q1 कितना है 12, q2 कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12, तो एक माइक्रो माइक्रो दो हो गए ना जी जी बिल्कुल। अब आपके अंदर क्या है 1 बाई आर टू, तो 6 6 100 कर लेते हैं ऊपर ऊपर 100, ऊपर 100 कर लो, एक बात है 100 अपॉन 6 100 अपॉन 10 एक ही बात है यार। अरे 6 को सेंटीमीटर ऐसे कर देंगे, अब तेरे सामने सामने 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 12 3 हो गया ना। अब ऐसा करो इसमें से आप 100 बाहर निकाल लो, ये 100 बाहर निकाल लो, ये आपका 10 10 नहीं 60 यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ क्या आएगा 6, तो ये आपके सामने क्या बच गया 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 1 ओके मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या है 60, तो 60 को एक काम कर 6 मल्टीप्लाई 10 कर दे 60 कैंसिल हो गया 12 × 60 हो गया। अच्छा अच्छा ओके ऐसे कर दे 12 × 5 = 60 ये तेरा 9 × 36 उत्तर आ गया 3.6 आंसर निकाल ना भैया उत्तर आ गया 3.6 सेकंड आ गया 3.6 जी जी बिल्कुल बात समझो w = डेल्टा u ये वर्क का सिंपल फार्मूला u फाइनल माइनस u इनिशियल क्लियर जी और u क्या है k q1 q2 बटा बात को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी और एक कॉमन सेंस की बात है यहां आप पॉजिटिव चार्ज है नजदीक लाओगे तो बढ़ेगी कंफ्यूज मत हो देखो प्लस प्लस के पास लाओगे ना तो वर्क पॉजिटिव आएगा तो माइनस का आगे पीछे भी जाए ना तो कंफ्यूज मत हुआ करो और प्लस माइनस होता तो आंसर क्या आता है माइनस क्यों क्या क्यू की वैल्यू क्या आती है माइनस में तो माइनस का चक्कर छोड़ो आप तो कर लो कैलकुलेशन रिपल्सन है तो प्लस है अट्रैक्शन है तो नेगेटिव आगे चलो ये मेरी बात आगे देखिए यदि क्यू पॉजिटिव चार्ज है इससे कम विभव पोटेंशियल से अधिक विभव की पोटेंशियल ए ये कौन है माइनस माइनस ये प्लस तो इधर प्लस इतना होता है ये प्लस प्लस ये माइनस अब सुन क्या कह रहा है कम विभव आप जानते हो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज लो पोटेंशियल से कहां जा रहे हो हाई पोटेंशियल पे कौन जा रहा है पॉजिटिव फिर वही बात आ गई क्यू फील्ड के विपरीत जा रहा है क्यू फील्ड के विपरीत जा रहा है तो रिपल्सन और रिपल्सन का मतलब बढ़ेगी एनर्जी क्या आ गया बढ़ेगी सेकंड नीट की पक्की पकाई प्रॉब्लम है आगे चलो पुत्र फिर आगे इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाते हैं तो फिर क्या आया रिपल्सन डिस्टेंस घटी एनर्जी बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं आगे चलो ये कहता है कि कोई एक रेगुलर हेक्सागोन है उसके साइड ए है चार्ज क्यू है वर्टेक्स में रखा हुआ है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ है देखो दोस्तों ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये दोस्तों आप जानते हो कि सारे अपने आप क्या बन जाते हैं इक्विलेटरल एंगल बन जाएंगे संभव त्रिभुज बन जाएंगे तो ये ए है ये भी क्या है ए एक दो तीन चार पांच छह पोटेंशियल क्या है स्केलर क्वांटिटी है जी वो चक्कर है यदि यही कोई इंटेंशन पूछता तो बात बिगड़ जाती बिल्कुल क्या हो जाती जीरो इसी के सेंटर पे भी आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो इसको खत्म कर देगा इसको खत्म कर देगा इसको खत्म कर देगा थैंक यू यार एक नई बात यही कुंडलीति है इसलिए कुंडलीति बोलते हैं इसको आगे चलो ये हमारा लाडला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल देखो दोस्तों वो कहता है इन एन इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर और ये आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर अंदर बैठा साफ कहता है एक प्रतिकुचालक गोला है देखो ठीक है ध्यान सुनना मैंने एक दिन पढ़ा चुका पहले आपको एक इंसुलेटर है ना तो पूरा चार्ज इसके ऊपर इसको बोलते हैं सुनो इसको अपन इंसुलेटर कह सकते हैं ये एक सब बेस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शब्द है
समान का आवेश का सममित वितरण, उसका मतलब क्या है, पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। तो दोस्तों वहां ई जो है उसका फॉर्मूला आएगा के क्यू आर स्क्वायर सदिश आर, इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर आर क्यूब, यस यस हो जाए आर क्यूब, आर क्यूब आर। और यदि यही कंडक्टर होता अंदर इंटेंसिटी जीरो बस, तो क्या पूछता दोस्तों, ये कह रहा है कि ये आपके सामने आर डिस्टेंस कुछ अंतर आ गया जी। अब ऐसा आंसर नहीं है कोई, इसको चेंज कर देंगे, सिग्मा दे रखा है तो उसका सिग्मा क्या है, क्यू फोर बट्टे थ्री पाई आर क्यू। अब आपको साहब ये फोर बट्टे थ्री पाई आर क्यूब का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये चार्ज कहां फैला हुआ है, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे फैला हुआ है, न कि सरफेस पे फैला हुआ। तो डियर अब ये तो आप कह रहे हो साहब कुछ दिखाई दे नहीं रहा, दिखाई देगा भैया, सब दिखाई देगा। E equal to K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 K cube R cube और एक R ही जी, एक काम कर 1 by 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 1 by 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर, ये तेरा चेंज कर दो, ये तेरा Q 4 pi 3 pi R cube क्या हो गया रे, सिग्मा हो गया बस। तो E equal to क्या गया, ये 1 by 3 नीचे ले ले, ये तेरा सिग्मा, वो तेरा R, और ये क्या बच गया तेरा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर ये आंसर आ गया। केवल प्रैक्टिस एग्जाम में आते ही प्रैक्टिस का खेल है सारा। और दोस्तों यही कंडक्टर होता तो अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है। चलो जी आगे चलो भैया, ये एक शब्द है दोस्तों फोर्स लाइन। पहली बात दोस्तों फोर्स लाइन क्या है, यहां मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, आप पेज खाली करें। फोर्स लाइन का दोस्तों मतलब ये है, मैं देखो मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपके पास मेरी आवाज आ रही है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये क्या है, फोर्स लाइन है, इनको बोलते हैं बदरेखा है। चार्ज के कारण है तो नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक कारण है तो नाम मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मेरे कारण आवाज के कारण है तो वेव्स फोर्स लाइन, यदि मास के कारण है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन। सिंपल सी बात, फोर्स लाइन रियल बातों क्या, फोर्स लाइन यूनिट एरिया में पाई जाने वाली जो फोर्स लाइन है वही वहां की इंटेंसिटी है। बिल्कुल, जहां कहीं यूनिट एरिया में फोर्स लाइन ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, कम है तो कम है। और फोर्स लाइन दोस्तों प्लस से स्टार्ट होती है नेगेटिव और माइनस पे जाती है, सीधी सी बात, प्लस से माइनस की। तो फोर्स लाइन ही इस बात को बताती है कि वहां ज्यादा इंटेंसिटी है या कम इंटेंसिटी। आ जा भैया पेज निकाल ले, अब तेरे सामने है ये ए है, यहां से फोर्स बाहर जा रही है तो ए मेरा पॉजिटिव है, बी मेरा नेगेटिव है। अब आप देखो यहां एक इतना बड़ा गोला बनाओ और यहां भी इतना बड़ा गोला बनाओ, बताओ इन दोनों इक्वल गोलों में नंबर ऑफ फोर्स ज्यादा कहां पर है, इसलिए इसलिए ए की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, और ए का तो ए की ज्यादा इंटेंसिटी है, इसका मतलब पैदा करने वाला ज्यादा है, तो जोश आपके पास तेज आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरी बोलने की ताकत ज्यादा है। बिल्कुल, सब क्वेश्चन करो, फोर्स लाइन काल्पनिक होती है, सुन लो हकीकत में कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, कल्पना है, प्लस से शुरू होंगी माइनस पे जाएंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा सीधी होती है, और एक सुंदर चीज बताऊं, सुंदर चीज बताऊं, हमेशा तल के लंबवत होती है, थोड़ा सा चार्ज पे ये ऐसे फील हो जाती है, चार्ज की सी, बाकी ये कहेंगे हमेशा क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करता। हाँ ये, और ये कभी एक दो बताओ ऐसा बताओ क्यों नहीं कर सकती है दोस्तों, यदि दो फोर्स लाइन एक दूसरे को काट दे तो फोर्स लाइन पे खींची गई टेंजेंट जो होती है वो फील्ड की दिशा बताती है, तो यहां तो एक ही बिंदु पे दो फील्ड की दिशा हो गई, तो कभी भी एक पॉइंट पे दो फील्ड की डायरेक्शन है संभव, इसलिए कभी भी दो फोर्स लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, उठता बोले खूब बोलती काल्पनिक है, प्लस से निकलती है माइनस के अंदर आती है, और एक स्पष्ट है, मेरे हिंदी में एक बहुत परिभाषा मेरे पास है, एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले लंबवत बदरेखाओं को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ए लाइन नंबर ऑफ फोर्स लाइन विच एग्जिस्ट इन यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस इट कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बिल्कुल, और सीधी बात है, जहां जितनी ज्यादा बदरेखाएं होंगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ओके डियर, थैंक यू, चल पुत्र आगे चल। ये दोस्तों हमारा सबसे लाडला पर्सन है भाई, देखो ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, दिस इज ए हाई वोल्टेज, दिस इज ए लो वोल्टेज,
प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो वोल्टेज घट रहा है, घट रहा है, परिवर्तन तो है लेकिन परिवर्तन दोस्तों नेगेटिव में है, कमी है। दिस इज डीवी, इस टॉपिक का सबसे ब्रह्मास्त्र है। यदि वी दिया हुआ हो तो आर के सापेक्ष कर दो डिफरेंशिएट तो ई आ जाएगा, और ई दिया हो तो दोस्तों ई का आर के सापेक्ष कर दो समाकलन इंटीग्रेशन, बिल्कुल वी आ जाएगा, सीधा पड़ता है। इसका हिंदी शब्द है विभवप्रवणता, विभवप्रवणता वोल्टेज ग्रेडिएंट, विभव प्रवणता। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इस प्रश्न पे बढ़ाऊं, उसके पहले एक बात करना चाहूंगा सूत्र आपसे। रियल में दोस्त ये होता है E equal to del V, ग्रेडिएंट ऑफ V, याद आ गया, ग्रेडिएंट या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडिएंट का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, यानी x के सापेक्ष अवकलन करके बाकी को कांस्टेंट मानना है, y के सापेक्ष करने बाकी को कांस्टेंट मानना है, z को करके बाकी को, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन, हां पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको अब चाहो तो आप वेक्टर, ये तो अंडरस्टूड है वेक्टर साइन। अब आ जा माना किसी दिए बिंदु पे विभव v है, ex है, उस बिंदु पे अक्ष दिशा के अनुदिश क्या होगा, तो e equal to minus dv by dx, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 48 आंसर क्या हो गया भाई, पढ़ा दिया आपको पूरा। आगे चलो डियर, ये देखो सोना प्रश्न, ए भुजा वाले एक देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक ऑक्साइड ए, ये थोड़ा सा बड़ा करना, ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी, भैया पेज खाली कर, गाउस की बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, गाउस क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में कोई क्यू चार्ज है तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, यदि पॉजिटिव है तो आउटगोइंग है और नेगेटिव है तो इनकमिंग है, और इसके बाहर क्या रखा हुआ है उसके इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और सुन, कहां रखा हुआ है इसका भी कोई लिंक नहीं है, हाँ, पॉजिशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही बोलता है क्लोज में रखा हुआ है, क्लोज में यहां रखा यहां रखा यहां रखा, ऐसा कोई संबंध है नहीं है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एक बात मेरे और दिमाग में जी बताए, चलो फाई क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ठीक है। एक बात मैं आपसे और करता हूं, देख ध्यान से रखना, ये कोई एक गोला है ठीक है ठीक है, इस पे मैंने कोई क्यू चार्ज दे दिया जी, ठीक है, क्यू चार्ज दे दिया तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, e मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, माना इसकी रेडियस आर है जी। कैसे, एकांक एरिया में से निकलने वाली इंटेंसिटी क्या होगी, E, टोटल से क्या निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्या हो गया, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, फाई क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज E 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या हो गया ना भाई, Q 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है सिग्मा, या इसको ऐसे कर दे, इसके दो फॉर्मूले हो गए, इसको तू क्या बोल दे KQ by R square बोल दे, चाहे तू इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बोल दे, बात सब एक ही है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहां से है सारे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। बड़े सिंपल प्रोजेक्ट है कि इसको मैंने कोई क्यू चार्ज दे रखा है, टोटल में से निकलने वाला फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन, और एक हमने कहा कि फ्लक्स क्या है, एकांक क्षेत्रफल में यूनिट एरिया से निकलने वाली फोर्स लाइन, तो टोटल एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है फ्लक्स के बराबर, ये तो किससे आया डेफिनेशन से, ये किससे आया गॉस के नियम से, इक्वल कर दे भैया, तो K Q बटे आर स्क्वायर बोल, ये तो पढ़ाया मैंने कि Q आवेश का चार्ज हो तो R डिस्टेंस पे उसके क्या इंटेंसिटी होती है K Q बाय आर स्क्वायर, चाहे तू इसको एक काम करे Q बटे 4 पाई आर को सिग्मा बोल दे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो ये भी कह सकते हैं किसी कंडक्टर के अति निकट, किसी कंडक्टर के नजदीक इंटेंसिटी क्या होती है, यहां मान ले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड भी नहीं करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, बोला है ना जी, आया बात का वजह। चलो आगे वापस क्वेश्चन में आ जा भैया, अब पढ़ ले यार। तो ये कहता है कि आपका एक क्यूब है, एक तो इसकी कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अगला कह रहा है एक भुजा से तो 6 से भाग दो, किसी बात है तो क्यू बटे 6 भाई, आपने इसमें यहां कोई एक गोला रख दिया तो कुल फ्लक्स कितना है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, पर भुजा कितनी है 6, तो सबसे बाहर निकलेगा वो, तो एक से कितना आएगा 1/6 हो जाएगा। आगे चले,
चलो आगे चलो, ये फिर लाडला क्वेश्चन है। वो कहता है गाउस प्रमेय के अनुसार इनफाइनाइट लेंथ के सीधे वायर के कारण, देखो यहां एक बात करेंगे पर ये बहुत बड़ा प्रश्न, ये दोस्तों माना एक वायर है, इस पे कोई प्लस चार्ज है। पहला पॉइंट, यहां लेमडा लेता हूं मैं क्यू बाई एल, ध्यान रहे यहां लेमडा लूंगा, लेमडा का मतलब क्यू बाई एल का मतलब है चार्ज पर लेंथ, यानी इसकी एकांक लंबाई पे चार्ज कितना है क्यू बाई लेंथ, क्यू बाई एल, उसको मैं लेमडा कह देता हूं। अब ये कहता है कि इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे क्या निकाल दिया आपको, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो भैया ऐसा करो, जैसे निकाल लो फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको इसके चारों ओर एक गाउस से प्रश्न बनाना पड़ेगा, कपड़ा सीधा फंडा है जी। अब तू जानता इधर तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, फ्लक्स सारा कहां से निकलेगा, परपेंडिकुलर, इसमें से निकलेगा, निकलेगा जी। ध्यान दे क्लास, हाथ करना अपना घड़ा, ये एक वायर है, ये मैंने गाउस से प्रश्न बना दिया, तो फ्लक्स कहां से निकलेगा, इसमें से, ये कितना होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई एल, यस। तो दोस्त यहां से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, एक तो क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, और एक क्या होगा 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई ई, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बोल दोनों बराबर कर देते हैं, तो तेरे सामने पुत्र q अपॉन एप्सिलॉन जीरो 2 पाई आर एल ई, E की वैल्यू निकालनी है, तो E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 L, Q बटे L क्या है लैम्डा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बन गया, K बन गया, K बन गया, तो तेरे सामने क्या आ गया 2K लैम्डा बाय R, बोल आया जी, बिल्कुल क्लियर। तो किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी है 2K लैम्डा बाय आर, लैम्डा क्या है यहां चार्ज घनत्व, चार्ज डेंसिटी, किसके लिए एकांक लंबाई के लिए, यूनिट लेंथ के लिए, एकांक लंबाई के लिए। तो बस तेरे सामने आंसर क्या आ गया इसका भैया, 4 आंसर हो गया, चले आगे जी। ये चेक वापस कर, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल, और बातों इसका क्या हो गया डेरिवेशन, डेरिवेशन बता दीजिए, गाउस के नियम को हवा मत बनाओ, मैं ये भी याद दिला दूं, गाउस भी एक ही है, एक फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और एक दोस्तों ई को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, बस जिस एरिया से फोर्स लाइन निकलती है, क्योंकि लिट एरिया की जो फोर्स लाइन है उसका नाम ई है, माना कि एरिया ए हो गया, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ओके डियर आगे आ जा। फिर वो कहानी है, अगला साहब कहता है कि 1 मिलीमीटर रेडियस के सीधे लंबे तार पे एक समान आवेश का वितरण है, तार पे प्रति सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है, और तार की लंबाई कुल क्या दी है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो देखा जाए टोटल चार्ज क्या हो गया 100 क्यू, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना चार्ज है क्यू, 1 क्यू 100 पे कितना हो गया 100 क्यू, अपॉन रेडियस क्या है इसकी 50 सेंटीमीटर। तो कहता है सममित तार को घेरता है तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करता, कुल आवेश को ले तो 100 क्यू 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यार क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लेकिन ये तब ले पड़ा जब पता हो कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, आगे चलो जी, चलो भैया क्वेश्चन 52 भी आ जाओ। ये कहता आर रेडियस का एक गोला है, आयतन में विद्युत आवेश बहुत बड़ा पॉइंट है, बता दो ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या सिमेट्रिकल बोलो, इसका मतलब है सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर। और दोस्तों अगला भार को भी फर्क नहीं पड़ता है, देखो भार तो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, सबके फॉर्मूले एक ही होते हैं, अंदर दोस्तों पढ़ा चुका पहले भी, इसकी ई का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई, बोला एक्स एक्स का क्या पड़ता है, एक्स के जी, इधर तो स्टेट बहुत इजी है, पब्लिक तो इसमें क्या बिना मतलब हवड़ा रखती है, पूरी फिजिक्स ही थी बस, हाँ वो तो फिर ये बात है। आगे चलो, फिर वही बीमारी आगे, देखो डियर ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एक वेदर है, ठीक है भैया, इसमें कोई आवेश रखा हुआ है, तो एक फ्लक्स यहां से निकलेगा, एक फ्लक्स यहां से निकलेगा, एक फ्लक्स पूरे से निकलेगा, बोलो है ना, अरे चार्ज रख दिया आपने तो यहां से फ्लक्स जाएगा,
यहां से फ्लक्स जाएगा और यहां से फ्लक्स जाएगा, बस वही कहना चाहता है। साफ कहता है खोखले गोले में क्यों आवेश है, यदि वक्र पृष्ठ बी पर समान फ्लक्स किसको बोलता है फाई, ये फाई डैश, ये फाई डैश, ओ लड़के ओ लड़के, फाई प्लस टू फाई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन अपसन जीरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस क्या पूछा अगले ने, फाई डैश पूछा है, फाई डैश पूछा है, माना फाई डैश अपन ने, तो ठीक है, तो तेरे सामने टू फाई डैश का मान क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई, तो फाई डैश क्या हो गया वन बाई टू। बिल्कुल, ये न्यूमेरिकल इसलिए लिए गए हैं ताकि फ्लक्स के बारे में आपको पूरी बात समझ में आ जाए, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टेट की तीन वीडियो ले लिए दोस्तों, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जा सके, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर कई बार एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चन दे देता है, प्रॉब्लम बड़ी इजी आती है, इजी बताती है। आगे चलो, ये देख मेरा क्वेश्चन आ गया, देख सुन ये क्या कहता है, धातु का एक अनावेशित गोला कंडक्टर है, तो एक बात गांठ मान ले, कंडक्टर के अंदर कभी फोर्स लाइन नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता किसी भी केबल पे, ठीक है डियर, कभी फोर्स लाइन ऐसे नहीं होती, ये नहीं हो सकता जी, ठीक है डियर। अब वो कहता है ये सही है, ये सही है, बट ये इसलिए नहीं हो सकता तो थोड़े से फोर्स लाइन ने आपके सामने एक व्यवस्थित तरीके से बात होगी, तो ये आपके सामने चीज होगी, तो इससे फर्क क्या है, ये सारी सीधी है, यहाँ सीधी नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें एक स्टिलनेस बिल्कुल बिल्कुल कंप्रेस आएगा रहेगा, ठीक है जी, सी हो गई। आगे चलो, फिर हमारे क्वेश्चन आगे, यदि ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, देन द प्रेशर सिंपल सिंपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी से बात ई के समानुपाती होगा, ये तो सिंपल बात है भाई यार, जितना ज्यादा डायरेक्ट्रिक फील्ड है ना उतना मोमेंट होगा, पोलराइज होगा, सही बात है, सही है, इस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना ज्यादा ताकतवर आपको ताकत देने वाला उतने ताकतवर आप बढ़ जाओगे, इतनी सी बात है। आगे चलो, ये देखिए एक समान पृष्ठ आवेश तो सिग्मा वाले चालक पृष्ठ है, चालक और अचालक दोनों की बात कर लेते हैं, ये दोनों पेंस खाली करो, आओ भाई आओ उत्तर आप करो, कंडक्टर की भी करो और इसकी लेंथ को इनफाइनाइट कंसीडर कर देंगे, मैंने जितना भी चार्ज दिया इसको, कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दिया, अब क्यू चार्ज देंगे तो कंडक्टर की जो टेंडेंसी होती है अंदर तो कुछ आवेश आएगा नहीं, सारा आवेश कहां चला जाएगा, कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज हमेशा उसका आउटर सरफेस पे रहता है, तो आधा चार्ज तो यहाँ पे आ गया, आधा चार्ज यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज था आधा आधा बट गया, हाफ चार्ज यहाँ पे आ गया, हाफ चार्ज यहाँ पे आ गया, अब ये वाला जो चार्ज है अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा नहीं, इधर भी नहीं उत्पन्न करेगा, इसका विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा ही नहीं, इस तरफ सिर्फ किसका आएगा क्यू बाई टू का, तो जितना होता उसका जस्ट हाफ हो जाएगा किसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे सिग्मा अपॉन में ट्वाइस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये दूरी पे निर्भर नहीं करेगा, और यही दोस्तों आपका हो इंसुलेटर तो ये पूरी सरफेस पे फैलेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल याद रखो, कंडक्टर है तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, और इंसुलेटर है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट सिंपल सी बात जी बस, और डिस्टेंस का चक्कर है ही नहीं इसमें, और इसका मैं एग्जांपल दूं सुंदर सा पेज खाली कर, इसका सुंदर सा एग्जांपल ये है, दिस इज कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर में चार्ज होगी, बहुत सोनी चीज है, दिस इज कैपेसिटर, सॉरी दिस इज कैपेसिटर, ये प्लस है इसके कारण इधर है, ये माइनस है इसके कारण इधर है, ये कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों वेक्टर है, तो दोस्तों बीच में क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए याद करो कि कैपेसिटर में सब जगह इंटेंसिटी सेम होती है, दूरी का कोई रोल ही नहीं है, और बाहर की बात करें इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो हो गया, सुनना यार बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बिल्कुल, ये चीजें बड़ी जुड़ी होती है, गुरुनीति का मजा यही है, गुरुनीति का रियल फायदा आपको तब मिलेगा बच्चों जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप एग्जाम के डेट दो महीने पर रिवीजन करेंगे ना, देखो हम लोग आपको 45 वीडियो देंगे फिजिक्स के, एक वीडियो डेढ़ घंटे का मान लो, तो 45 पे आप 30 घंटे जोड़ दो, चलो 80 घंटे खेल है, 90 घंटे मान, 2 घंटे मान,
90 घंटे का मतलब है, एक दिन आप 5 घंटे बैठ के देख लो ना, तो 90 भाई साहब कुछ नहीं है, 17 दिन खेल है, 18 दिन खेल है, 18 दिन में आप पूरी फिजिक्स को 18 5 90, केवल 5 घंटे बैठ के पढ़ो तो फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी विद न्यूमेरिकल, सब कुछ सही होगी चीज। अब तो बात से बात जुड़ते रहते हैं, चलता रहता है अंदर से, पता नहीं कहां कहां चलता रहता है। आ जाओ चलो जी, चलो आगे चलो, आगे चलो बेटा, छप्पर हो गया। ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम आता है। देखो डियर, किसी भी क्यू चार्ज को आपको कहता है एक पकड़ ए प्लस क्यू आवेश है, बी पे फोर है, मास एम है, उसको समान पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा गिराया तो चार्ज कर पाते। देखो डियर, एक फॉर्मूला होगा हाफ एक ऊर्जा होगी हाफ एम स्क्वायर और एक होगा क्यू गुणा डी। ये भी कार्य, ये भी कार्य, सीधी सी बात, वर्क और एनर्जी ऑफ काइनेटिक दोनों इक्वल होती है। बिल्कुल। तो अब आपको क्या पूछता है, वी पूछा है, वी पूछा है। तो देखो डियर, वी ए अपॉन वी बी, चलो पूरी बात करो, पेज खाली करना भैया। देखो डियर, स्पष्ट बात है, ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, हाफ एम वी ए स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई वी, तो क्यू के पीछे वी सेम है और एम सेम है, एम सेम है, तो ये आपके सामने फिर अपना वही तरीका है, जो बदलता है उसके पीछे 1 2 लगाओ और सभी सुना देंगे। देख, एक कण ए प्लस क्यू आवेश, बी आवेश, मास समान है, विभवांतर भी समान है, वापस क्वेश्चन में आ जा बस। तो दोस्तों बनेगा वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू बी का रूट, वापस क्वेश्चन में आना भैया, क्यू ए कितना है क्यू, क्यू बी कितना फोर, वापस आ जा खाली कर, तो 1/4 का रूट है, तो 1/2 आंसर आ जाए भैया, 1/2। ये तो दोस्तों आंसर क्या आ गया आपका, सेकंड 1/2। ये तो न्यूमेरिकल कॉमन न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम आएगा, ये भी गांठ मान लो आपके खूब एग्जाम आता है, ये इसको याद रखना चीज को। जैसे मैं इसकी दूसरी बात करूं कि कोई पार्टिकल यहाँ है, उस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पर ले जाने में दो चीजें होती है, एक एनर्जी होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जी, तो हाफ एम स्क्वायर तो कौन एनर्जी है, मैकेनिकल, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी कौन है, इलेक्ट्रिक बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल, चीज को यहां से उठा के यहां रखना है, चाहे मशीन रखे चाहे आदमी रखे, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। आगे चलो बेटा, 58 नंबर, ये अपना लाडला क्वेश्चन आ गया। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, आदर्श चालक के लिए कौन सा कथन असत्य है, चालक का प्रश्न होता है सत्य बात है, तो पेज खाली करना बेटा। देखो डियर, ये कोई चार्ज है और इसके चारों ओर आप करोगे तो सब जगह, एक बात ध्यान चाहूंगा ना मैं यहां पर, पोटेंशियल समान होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी अलग हो सकती है, बिल्कुल, जैसे या इंटेंसिटी अलग है बट पोटेंशियल समान है, क्योंकि पोटेंशियल जब तक समान नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, ये ध्यान चीज का, न्यूक्लियर कोने पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ऐसे मतलब पूरी बात करें यार, चार्ज दिखा देते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, वी ए इक्वल टू वी बी बट ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई बी बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा चार्ज आ गया और चार्ज का लीकेज भी हमेशा न्यूक्लियर सिरे से होगा, और आपका सिग्मा ए ग्रेटर देन बी, सिग्मा बी, चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, पोटेंशियल सेम है। दोस्तों यदि आप इस ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो ना तो सीधा मक्खन खा रहे हैं आपको हम लोग, बट ये फायदा तभी होगा जब आपको एक बार कोचिंग वगैरह ढंग से पढ़ा हुआ हो, गुणित वत्व भी होता है। आ जाओ दूसरा, तो चालक का प्रश्न क्या होता है, सही हो गया। दूसरा कहता है चालक के बाह्य द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सही बात, सही है, चालक द्वारा प्राप्त आवेश सदैव चालक के पृष्ठ के एक समान क्यों होता है ना, ये ऐसा हो गया, अभी बता दिया आपको, न्यूक्लियर पे ज्यादा हो जाएगा और सर उस पे जो थोड़ा कम हो जाएगा, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी इंटेंसिटी हो नहीं सकती, कारण क्यों, कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज, एक डायलॉग है मेरा, कंप्लीट चार्ज कम्स आउट ऑफ सरफेस इन ए कंडक्टर ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, अचीव स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो कहा होती है सरफेस के, एक ही बात से बात जोड़ दो नहीं आप, आ जा भैया, ये वो आपको ये आ गया, लाडला क्वेश्चन आ गया। वो कहता है अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आ जा भैया, ई क्या है, 30 एक्स स्क्वायर आई के, वो दे दिया इन स्पेस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ओ, वी ओ इज द पोटेंशियल ओरिजिन,
और एंड बी ए वो दो सेंटीमीटर पे, कहना जीरो से दो के बीच, जीरो से दो पे जाने में आपको क्या चाहिए विभव चाहिए। ये तो पूछा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहता है कि ई है बी ए माइनस बी ओ, वी ओ मूल बिंदु पे जीरो होता है जीरो। अब दोस्तों पेज खाली करें तो पेज खाली इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जी, तो डी वी इक्वल टू ई डी आर ठीक है, जीरो से लेकर दो तक, जीरो से लेके दो तक, यस उत्तर। और जीरो पे या फिर वी नोट दे रखा है, आ जा वी नोट क्या है, वी टू माइनस वी नोट इक्वल टू माइनस जी। क्वेश्चन दिखा भैया 30x, क्वेश्चन क्या है 30x का है, खाली कर बेटा, तो 30x का समाकलन क्या होगा 30x क्यूब बाय 3, कहां से कहां, जीरो से दो, जीरो से दो, वी टू माइनस जीरो, अगला खुद कह रहा है माइनस, ये कितना है 10 माइनस 80 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, आंसर प्लस भी है आंसर माइनस भी है, आंसर क्या आया माइनस, क्योंकि E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। भैया जी बहुत काम की चीज है रही है, इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लेना काम का। नेक्स्ट 60 ये याद रखना पड़ेगा भैया, द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ एट ए प्लेस इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ओ भाई इसका सीधा फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, बात एक ही रहेगा जी जी, एक ही बात, कौन सा सूत्र दिया इसने, ये एक ही बात है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बोलो चाहे 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बोलो, कोई फर्क नहीं इनमें जी जी, सेम यही है, एक फॉर्मूले होते हैं। ऊर्जा घनत्व, एक लड़का कह रहा है साहब कैसे होते हैं बताओ, तो बता देता हूँ यार, इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कर माइनस डी अपॉन डी आर, वी कितना है 5x² + 10x - 9, चलो भैया माइनस तो पड़ा ही है, अवकलन कर 5x कितना हो गया 10x + 10 कितना हो गया 10, ये क्या हो गया 0, तो e इक्वल टू माइनस 10, x कितना है 1, तो ये 1 × 1 = 10 + 10 = 20, आंसर क्या आ गया माइनस वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर माइनस 20 वोल्ट पर मीटर जी, आंसर आ गया ठीक है। आगे चलो, ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, पेज खाली करना एक मिनट, इस प्रॉब्लम करने से पहले मैं एक और प्रॉब्लम करना चाहूंगा आपके लिए। वो कहता है कि प्लस प्लेट है ठीक है, और इस पे एक पेंडुलम है जिसपे प्लस लगा हुआ है, इसको मैं कह रहा हूं ऑक्सीलेशन, पहले ये प्लेट नहीं है तो इसका वो टाइम पीरियड टी है, पहले प्लेट नहीं है तो इसका टाइम पीरियड टी है, वो है टी इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी, जानता हूं प्लस का मैं, वो कह रहे पेंडुलम है ये प्लेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ग्रेविटेशन फील्ड में काम कर रहा है टी सिंपल पेंडुलम बन गया, अब ये प्लेट लगा दी तो ये प्लेट लगा दी कॉमन सेंस की बात है, इस प्लेट ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस को दोस्तों रिपल करेगा, रिपल करेगा, या दूसरी भाषा में कहूं ये प्लस है ना तो मान के चलना यहां कहीं क्या है माइनस, प्लस से माइनस कौन होता है क्यू यू, एम जी किधर है नीचे क्यों, नीचे क्यों, तो दोस्तों इस पे जो एम जी डैश लगेगा वो लगेगा mg माइनस qv, तो यहां जो g डैश आ जाएगा वो आ जाएगा g माइनस qv बाई m, कॉमन सेंस की बात है g डैश घट गया, g डैश घट गया तो t बढ़ गया, और यदि सपोज करो कि यहां माइनस होता, कलर चेंज कर दो, यदि ये माइनस होता तो फोर्स नीचे लगता है, आपके सीधी सी बात है फोर्स किधर लगता, q किधर लगता नीचे की ओर, तो टी घटता है, टी घटता है तो जल्दी होता ऑक्सीलेशन, जी घटता है टी बढ़ता है, टी बढ़ता है धीरे होता, धीरे होता है, सिंपल सी बात है, जिसको हम डैम्पिंग कह सकते हैं, धीरे धीरे आ जा, सेम बात इसके साथ ही है,
तो ये दोस्तों यहाँ प्लस से टकराएगा, माइनस से टकराएगा, कभी रुकेगा कभी रुकेगा, तो इसको अपने कह सकते हैं ये डैम्प होना स्टार्ट होगा, अवमंद होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा असर होगा? अवमंद होने की वजह से इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो प्लेट के मध्य आवर्तकाल के नहीं, दो प्लेट के मध्य बढ़ते हुए आवर्तकाल के साथ आगे पीछे गति करेगा। फोर्थ ऑप्शन, आगे पीछे बढ़ते आवर्तकाल। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब होता है धीरे, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है घटना धीरे होना। आंसर हो गया ओके। अवमंदित दोलनों से बच्चा देख सकता है इसको, देख सकता है इसको, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। आगे चलो बेटा जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कराएं। अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ के उसके आप पेज खाली करेंगे अपन। इन्होंने बोला अ लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज कैप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर अ लार्ज रेडियस, बोथ ऑफ सिलेंडर आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पेज खाली कर दो भाई। पहले इन्होंने बोला एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और दूसरा सिलेंडर है बड़ा, इसकी रेडियस ज्यादा दे रखी, दोनों को कोएक्सियली रखा आपने, एक दूसरे के संपाती ऐसे कुछ रखा हुआ। दोनों इनिशियली कैसे थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना तो अंदर वाले पे चार्ज था ना बाहर वाले पे कोई चार्ज था, कोई चार्ज किसी भी तरह का नहीं था, चार्ज नहीं था तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं। फिर इन्होंने क्या कर दिया है कि सबसे बाहर वाले को आवेश घनत्व दिया। आवेश घनत्व देने का मतलब आवेश दिया इसको, चार्ज दिया, अरे बाहर वाला कंडक्टिंग है, अब कंडक्टिंग है तो आवेश कहाँ जाएगा? सतह पे जाएगा। कई बार हम लोगों ने बता रखा, बोसनी भी आपको बोला है, तो हम कहेंगे अगर आवेश बाहर है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। और वी कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट हो गया, तो आप कहीं भी देखेंगे तो सब जगह वी समान रहेगा, और वी समान रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल गया? जीरो। हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न ही नहीं होगा। बट दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या कर दिया? बस दूसरी कंडीशन में इन्होंने चार्ज घनत्व जो दिया है वो अंदर वाले को दे दिया। अंदर वाले को देने से क्या हो गया? मैं फोटो कल चेंज करके बता दूं इसी। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में इन्होंने अंदर वाले को आवेश घनत्व दे दिया। अब अंदर वाले को आवेश घनत्व दे दिया तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, ऐसे कुछ हो जाएगा, और ऐसे कुछ होगा तो हम कहेंगे डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल घटेगा। अब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल घटने का मतलब इससे पोटेंशियल कुछ अलग मिलेगा, इससे पोटेंशियल कुछ अलग मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। तो इसका ये निकला कि आउटर को चार्ज दोगे तो अंदर कोई डिफरेंस पोटेंशियल का नहीं है जी, अंदर वाला जो दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ओपन हो जाएगा। अब आप खाली करो, डिलीट कर दो और ऑब्जेक्ट में आ जाओ। क्वेश्चन दिखा भैया, अब पढ़ेगा कहता है जब आंतरिक बेदन को आवेश घनत्व दिया जाता है तो दोनों बेदनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। बात सही है, सही बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या कहता है? जब बाह्य बेदन को आवेश दिया जाता है तो दोनों गोलों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। बस अपना काम हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। चलो बेटा आगे चलो, जी ऐसे काम हो रहा है। यह कहता है इकाई द्रव्य इसको इनफिनिटी से क्यू को अक्ष दूरी तक किसी बिंदु तक संपर्क पर डब्ल्यू है तो इस व्यू क्या होगा? वर्क पोटेंशियल है यूनिट चार्ज को, और चार्ज मान लो क्यू है तो वर्क हो जाएगा। सीधी बात है, क्यू मल्टीप्लाई भी कर देगा, क्यू एकांक है तो डब्ल्यू यू का जो तो डब्ल्यू का आंसर क्या हो गया इसका? फिर सुन लो, हिंदी को सिंपल है। अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का व्यू है। ए वर्क डन बाय सिस्टम फॉर यूनिट चार्ज प्लेस इनफाइनाइट टू एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी है और चार्ज यूनिट भी है तो क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। सीधी सी बात है, आगे चलिए बेटा जी। हाँ भाई, तो 65 प्लस सिंपल क्वेश्चन है। तो एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगा रहा है, तो कहता कि इस स्थिति पे कितना V है? तो तू जानता V क्या होगा? K upon R। तो K की वैल्यू क्या है? 9 multiply 10 to power 9। Q क्या है? 1.6 multiply 10 to power minus 19। R क्या है? दे दिए वोरी 0.53 multiply 10 to power minus 10। इसको गुणा भाग करोगे ना तो प्लस, जब प्लस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पूछा है तो ये प्लस है। तो पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आगे चलो भैया, देखो डियर एक सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये माइनस क्यू। देख डियर कलर चेंज कर ले तेरे लिए,
इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके कारण इधर इंटेंसिटी होगी, इसके कारण इधर इंटेंसिटी, तो इधर तो कभी ई जीरो हो ही नहीं सकती, कभी बाहर इधर भी कहीं जीरो हो सकती है, इधर भी कहीं जीरो में भी हो सकता। अब क्या कहता है, अस्तित्व नहीं होगा, बिटवीन बिटवीन नहीं, इनके कारण उदासीन बिंदु इन दोनों के मध्य में होगा, दोनों आवेश रेखा के लंबवत होगा, निरावेश के पास होगा, नहीं दोस्तों अस्तित्व में नहीं होगा, इन दोनों के बिटवीन तो कुछ नहीं होगा भैया, दोनों के बिटवीन कभी ई जीरो हो नहीं सकता। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ओके आगे चलो भैया, भगवान फिर आगे देख ले भाई मेरे, आप आपका अच्छा किसी थ्योरी का। जी 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 जी, इसमें क्या बोला, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ सर्टेन वेलोसिटी एंटर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ऐसे कुछ, तो हम कहेंगे इसका वी एक्स जो रहेगा, वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा, हम कहेंगे एक्स के अलोंग तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स कहाँ लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में क्यू ई लगेगा, तो हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज होगी नहीं, तो वी एक्स तो मेरा क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा। और वी वाई यहाँ पे हम कहेंगे वी वाई पहले जीरो था, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, बट वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा और वी वाई लगातार बढ़ता जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट ही दे दिया इसमें कि वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये एक्चुअल में पेज खाली करना, ये सिंपल सी कहानी है डियर, ये सिंपल सी कहानी है, ये पैराबोलिक पाथ है और याद करो पैराबोलिक पाथ में ये कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं, इसकी भाषा ये नहीं है, इसकी भाषा ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर प्रवेश करे तो उसका पथ क्या होगा, पैराबोलिक, और पैराबोलिक पथ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट, वर्टिकल परिवर्तन, बोलो है ना, बात को जोड़ो, बात को जोड़ो, सही का बिल्कुल। तो यही बात आपने जो कहा उसको समराइज कर दिया मैंने, थैंक यू डियर। हाँ तो सोलंकी पुत्र ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है देखो मैं एक सिंपल है इसका देखा सर, ये कोई एक गोला है जी, जिसकी रेडियस भी क्या है छोटी, चार्ज भी क्या है छोटा, ये इसके भार है जी, रेडियस भी क्या है बड़ी वाली, चार्ज भी क्या है बड़े वाला। अब वो कहता है इन दोनों की सरफेस पे, चलिए बेटा इन दोनों की सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस बिंदु को ए कह दो, इसको बी बोल दो, इसको बी कह दो, तो सबसे पहले आप वीबी निकालो, तो वीबी पर एक तो बी के कारण और एक एक तो सुन एक तो बी के कारण के क्यू अपॉन कैपिटल आर और एक ए के कारण के क्यू अपॉन स्मॉल आर, छोटे कारण छोटे कारण कैपिटल आर आ जाएगा डिस्टेंस, क्यू तो स्मॉल, यस 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 यस, थैंक यू, और दिस इज वी ए, वी ए कौन है छोटे कारण, तो छोटे कारण तो क्या है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर, और बड़े कारण क्या है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर, दोनों डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करोगे तो के क्यू आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये तेरा के क्यू आर माइनस के क्यू आर, तो आप ऐसा के कॉमन ले लो तो क्यू बटे कैपिटल आर माइनस क्यू बटे स्मॉल आर, कहना मतलब है बड़ा किसी क्यू क्यू से आएगा, आ जा आंसर आ जा बिल्कुल ए, ये रह जा आपका आंसर, ये पढ़ो ये ना थर्ड ऑप्शन, के की वैल्यू पुट कर दिया, के की वो तो एक ही बात है। आगे चलो पुत्र 69 में आ जाओ भैया, 69 वो मेरा क्वेश्चन आ गया मेरा, और आ जाओ मेरा एक सरल लोल को धात्विक गोल धातुओं का आवेश है, देखो एक आवेश क्या है इसमें नेगेटिव, और इसके जो प्लेट क्या लगी हुई है पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है डियर, तो ये अट्रैक्ट करेगी, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा नीचे की ओर, जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा, तो इसका जो mg डैश है वो mg प्लस qe है, qe हो जाएगा, तो g डैश इक्वल टू g प्लस qe बाई m है, तो g डैश बढ़ गया तो t घट गया, t घट गया तो t से कम हो गया, आंसर क्या हो गया, सेकंड ये बात मैंने कर चुका आपसे, जी जी आगे चलो भैया, बी बिंदु पे रखे कोई चार्ज है तो सुन लो भाई, ए बी सी एक गोले की सरफेस है, एक गोले की सरफेस में दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, बी इक्वल टू इस टिक लगा दो भैया, आगे चलो ये और सुंदर है, जब 3 कूलम का चार्ज है 3000 न्यूटन का बल लगता है तो 1 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, पहले ही कैलकुलेट है, ई किलो कैलकुलेट कैसे करोगे, एफ इक्वल टू क्यूवी से, एफ इक्वल टू क्यूवी, क्यूवी से
तो क्यू कितना है? तीन। ई कितना है? कैलकुलेट करना ही तो करना है। एफ कितना है? 3000। तो ई कितना आ गया? 1000। ई आपका 1000 आ गया। अब मैं जानता हूं भैया क्या इक्वल्स टू आगे चलो भैया। पृथ्वी का पोटेंशियल जीरो मानते हैं क्योंकि पृथ्वी एक चालक है। सीधी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कांड है। कैपेसिटर की बात करें तो Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वी जीरो है, इसीलिए अर्थ की धारिता अपन लगभग क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मान लेते हैं। बिल्कुल ये होती नहीं है। 711 माइक्रोफ़ारड कुछ होती है, कुछ कोड लिखा हुआ है, पढ़ लेना उसका नाम, मुझे याद आ रहा है, पढ़ना जरूरी। बिल्कुल आगे चलो। ये देखो रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, नॉट इलेक्ट्रिक कोई फोर्स लाइन होती, ये पॉजिटिव से प्रारंभ होकर नेगेटिव समाप्त होती है, सही बिल्कुल सही बात है। ये एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है। बिंदु आवेश और गोले की इनकी आकृति समान होती है, बिल्कुल सही बात है। इनका भौतिक ना, ये तो हाइपोथेटिकल है। फर्स्ट लाइंस पद रेखाएं काल्पनिक होती है, इट्स हाइपोथेटिकल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो भैया, ये फिर लाडला क्वेश्चन आ गया अपना। ये यार बहुत सोना है, क्यू वन कितना है? 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? -1 माइक्रोकूलम। ये कहां कहां रखे हुए हैं? जीरो पर जी और 6 पे रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विद्युत विभव निम्नलिखित बिंदु में शून्य होगा। अब इनके कारण विभव शून्य कहां होगा? तो भाई शून्य विभव एक तो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना। दूरी कितनी है? 6। मैं एक बार ऐसा करता हूं, इसको मैं ये करता हूं 2 और ये करता हूं -1 जी। डिस्टेंस कितनी है? 6। तो कॉमन सेंस की बात, इसका प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा। माना अक्ष दूरी पे क्या है? विभव जीरो है। जीरो है तो जीरो का मतलब बराबर कर दो। बिल्कुल एक प्लस है, माइनस है, इसके कारण क्या आएगा? के दो अक्ष जी के, अब माइनस करना पड़ेगा। हाँ, 1/6 माइनस अक्ष के से के कैसे आउट कर दो? तो 12 - 2x इक्वल टू अक्ष, 12 = 3x, अक्ष इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। एक अक्ष इक्वल टू क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। ऐसा ऑब्जेक्ट एक ही है जी जी। और दूसरा इसके 12 आएगा। बिल्कुल। और किधर आएगा? हमेशा छोटे तरफ आएगा। डांट मान लो रहे, एक बड़ा और एक छोटा हो तो भार जीरो उसकी तरफ होगा जो छोटा है, और बराबर है तो इधर भी होगा और उधर भी होगा, कोई फर्क नहीं। सुन ले बात को, एक प्लस एक माइनस तो पोटेंशियल कहीं ना कहीं जीरो होगा, जीरो नहीं होगी, और बाहर भी कोई जीरो होगा तो किधर होगा? छोटे की ओर होगा। दोनों बराबर हो तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, एक साथ लपेट बातों को यार। आगे चल, ये अपना सोना क्वेश्चन है। फिर क्या कहता है कि ये फील्ड है तो आप जानते हो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, ये तो क्या है? सेम। तो ए और बी तो सेम है, सी छोटा हो गया, तो ए और बी तो सेम है, सी छोटा हो गया, ए और बी तो सेम है क्योंकि ये तो लंबवत है, और बी से सी की ओर आप गए घट गए, क्योंकि आप सात चारों डायरेक्शन के पोटेंशियल क्या होता है? कम। आगे चलो भैया, ये कंपोनेंट से करेंगे। जरा एक बार पेज खाली करना भैया। देखो ये आपकी प्लेट है, प्लस 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 प्लस, मालूम ये कोई पेंडुलम है। पेज खाली करना, वापस करना क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन देखना वापस। ये एंगल क्या है? थीटा। पेज खाली कर दे, ये थीटा है। चल दिए तो तेरे सामने सामने कहानी है, ये नीचे की तरफ, ये कौन है भैया? एम जी वो थीटा, तो ये थीटा। इधर कौन है तेरा? टी, तो दिस इज ये वो थीटा, ये थीटा, दिस इज टी कोस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा, ये एम जी हो गया, ये क्यूई हो गया, और ये तेरा क्यूई हो गया। बस आ जा, तो तेरे सामने सामने टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? क्यूई को। टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। एक दो को डिवाइड कर दे तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 2/mg। आंसर क्या दिया? क्वेश्चन निकाल ना भैया, tan थीटा बराबर 2/mg। अच्छा अब सिग्मा पूछा है तो कोई बात नहीं, e बराबर क्या होता है? सिग्मा ही होता है। तो आप एक ही बात है, tan थीटा का होता है सिग्मा को, एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सीधी सी बात है tan थीटा की। जी जी बिल्कुल, ओके डियर जी, बस हो गया। ये इसमें कंपोनेंट तोड़ना अच्छी बात थी, आपको तोड़ के बता दिया। आगे चले, फिर वही बात आ गई, v की वैल्यू दी हुई है,
102 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे गए ना, तो तू जानता है इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाई डीआर। ओके डीएल, माइनस को बाहर रख, ये तेरा डीआई डीआर भी कितना है 4x स्क्वायर, इसका अवकलन कर कितना आया माइनस 8x, एक्स का मान क्या है 1, आंसर क्या आ गया माइनस 8, माइनस का मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक निशान हो गया, तो 8 ऋणात्मक अक्ष की दिशा में फर्स्ट ऑप्शन, तो फिर आंसर आ गया आपका दोस्तों, ये लो जी बात खत्म, बहुत सिंपल मामला है। आगे चलो भैया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, 79 और 80 लास्ट के तीन क्वेश्चन ढंग से बैठ जाओ, नीट 2021 प्रॉब्लम है ये, बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी बूंद से छोटी बूंद का बनना, छोटी बूंद से बड़ी बूंद का बनना, अपने काम पूरी बात बताते हैं, पेज खाली कर रहे हैं भगवान। चल देखो दोस्तों, ये एक बड़ी ड्रॉप है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, आर है, चार्ज इसको क्यू है, तो इसके सरफेस पे पहले सबसे पहले वी, फॉर्मूला क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ई फॉर्मूला क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा क्या होगा क्यू बटे 4π आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, सी क्या होगा 4π ε0 आर। जानते हो कोई एक कंडक्टर हो गया, आर रेडियस है, क्यू चार्ज है, ये बड़ी के फॉर्मूले हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल पक्का जी, पक्की बात है जी, बस ये बेटा है। अब वो कहता है इस बड़ी को छोटी एन में तोड़ दिया, अब एक बात सुन, डी इक्वल टू एम बाई बी, बड़ी से छोटी बनो, छोटी से बड़ी बनो, एम तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी पानी अब भी पानी, पहले मरकरी डेंसिटी चेंज नहीं हुई, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बस यही खास बात है। तो पहले वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³, फिर दोस्तों माना प्रत्येक रेडियस r है, प्रत्येक पे चार्ज क्या आ गया क्यू डैश, तो दोस्तों एन इक्वल टू क्या आएगा 4π3 πr³, ये सब कैंसिल आउट कर दो, तो आपके सामने r³ इक्वल टू एन r³, तो स्मॉल r³ जो है वो है r³/n, तो स्मॉल r की रेडियस हो जाएगी r/n/1/2। पहला प्रश्न हो गया, यानी बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बनाऊंगा और n ड्रॉप बना दी, तो प्रत्येक ड्रॉप की रेडियस से कैपिटल r बटे n 1/3, चार्ज q था q डैश हो गया, v डैश हो गया, c डैश हो गया, e डैश हो गया, ओके फिर मिटा दे एक बार। अब ये बड़ी वाली थी, ये छोटी वाली थी, इसका तो अब v पे आ जा, तो इसका v तो क्या है k³/r, इसका v डैश क्या होगा k³/r। अब तू जानता है टोटल चार्ज q था, वो n जगह डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया q/n, और r का मान क्या बच गया r n की पावर 1/3, अभी पढ़ाया आपको यार जी जी, पढ़ाया ना r इक्वल टू r अपॉन n की पावर 1/3, तो ये तेरा v डैश, ये तेरा k q r धरक, ये n की पावर 1/3, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2/3 हो गया ना जी जी, ये तेरा 1 है ना, ये 1/3 है, ओके डियर, तो ये तेरे सामने v डैश का मान क्या आ गया v n की पावर -2/3 आया ना, ये शानदार चीज दोस्तों, छोटी बूंद का पोटेंशियल जो है इसको ऐसे कह दो, आप इसको v बटे अपॉन n की पावर 2/3 का, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये v का फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन माना क्या है, और क्वेश्चन भी यही पूछा सही से, विभव पूछा ना, देखो भाई इसको बिठा दो याद होगा मेरे को, तो ये कहता है कि एक समय पर 10 वोल्ट के समान वोल्ट से आवश्यक किया गया, माना कि बूंद का आकार गोली है, सभी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद निर्माण करें, ए ए ए ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के, बिल्कुल v किसका है बड़ी बूंद का, ये निकालना आप तेरे को, तो v डैश इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू v डैश n की पावर 2/3, व्हाट इज v डैश 10, n कितना है 27, एक बात सुन लेना, इसमें 27 आता है हमेशा, 27 का 1/3 हो जाता है, 27 का 1/3 कितना हुआ 3, इसका स्क्वायर 9, आंसर कितना आ गया 90 वोल्ट, एक प्रश्न पूरा हो गया, पेज खाली कर, इसका मतलब e निकाल दो, तो बड़ी वाले का e क्या था k³/r², छोटी वाले का e डैश क्या आएगा k³/r², फिर से आ जा, जहां q डैश है वहां क्या आएगा q/n, जहां r है वहां क्या आएगा r n की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ये तेरे सामने क्या है kq, n को भाग रख, ये तेरा r², ये n की पावर 2/3, इसको ऊपर ले जा, ये तेरा क्या बन गया e, तो तेरा e इक्वल टू e डैश, ये 1 है, तो तेरा e ये ले तेरी -1/3, ठीक है।
आया बिल्कुल, तो तेरे सामने सामने आर को क्या बना, आर अपॉन एन की पावर थ्री, क्यू डैश क्या बना, यू बाई एन, वी डैश क्या बना, वी अपॉन एन की पावर टू बाई थ्री, ई डैश क्या बना, ई बटा एन की पावर वन बाई थ्री, बोल है ना जी, सी डैश क्या बना, बिल्कुल C इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r, तो C डैश इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर n की पावर 1 बाई 3, बात हो गई, सिलट गया भाई, क्या देख रहा है, अब छोटी से बड़ी बड़ा, बड़ी से छोटी, अब बड़ी से छोटी बड़ा कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है, चलो जी तो हो गया, अगले प्रश्न में आ जा, ये मेरी क्लास का सुंदर क्वेश्चन, आप जानते हो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, V और r की स्लोप का नेगेटिव क्या होता है, E, ये आज की क्लास का श्रेष्ठ अंक बनने जा रहा हूं, r इक्वल टू 5 आप यहां खड़े हो तो यहां पर इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, ये कितना है 5, ये कितना है 2, तो इसका आंसर है 5/2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, आंसर आ गया दोस्तों प्लस आई, ध्यान रखना r इक्वल टू 5 पे फिर पूछा है तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यहां ऑलरेडी स्लोप क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और स्लोप क्या होती है y में चेंजेस अपॉन x में चेंजेस, ये कितना है 5, ये कितना है 2, आगे चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जा, सेम वही बात है, देख यहां इंटेंसिटी क्या है 0, यहां इंटेंसिटी क्या है 0, यहां क्या है 0, तो दोस्तों E1 इक्वल टू E3 इक्वल टू E5 0, अब इस 2 पे क्या है E2 नेगेटिव, नेगेटिव, और वो तेरा E4 पे क्या है पॉजिटिव, बस क्या कह रहा है, तो E1 E3 E5 समान है और E1 की वैल्यू E4 से कम है, हाँ, E1 की वैल्यू E4 से कम है, वो तो जीरो है और ये धनात्मक मान है, बिल्कुल सही, आंसर क्या हो गया सेकंड, इसी के साथ 80वां क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक की सेकंड गुणनित्य छूट हो गई, कंप्लीट हो गई, अब कल अपन इस पे आएंगे डाइपोल वगैरह पे आगे चलेंगे, ठीक है, आज वास्तव में हम बात की फर्स्ट टाइम पे, हमने बात की E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर पे, हमने बात की कुछ गाउस के नियम पे और फोर्स लाइनेज पे, ठीक है डियर, तो ये 11 जनवरी 2021 को आपको उपलब्ध कराया हमने, अब दोस्तों 13 तारीख को सेकंड के साथ यानी इलेक्ट्रोस्टेटिक की थर्ड, ये 26वां है 27वां आएगा, ओके डियर, 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आ जाए सीएलसी, थैंक यू, जय सीएलसी।